हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर। प्रिय भाई बहनों, सत्य है कि ईश्वर की आज्ञा या इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब बहुत से लोग यह तर्क करते हैं कि जब सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है, फिर अच्छा बुरा पाप पुण्य सभी कर्म ईश्वर ही कराता है। परंतु यह सत्य नहीं है, इसे ध्यान से समझिए। जिस प्रकार विद्युत शक्ति के बिना मशीन नहीं चल सकती, उसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता एवं प्रेरणा के बिना जगत का एक अणु भी कार्यशील नहीं हो सकता। परंतु उस मशीन से क्या कार्य कराना है, यह उस मशीन को चलाने वाला चालक ही निर्णय करेगा। इसी प्रकार भगवान हमें शक्ति देते हैं, चेतना देते हैं। ईश्वर केवल पुण्यमय है, सत्य है, और जो जैसा होता है उससे वैसी ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए ईश्वर तो केवल पुण्य शुभ कर्म ही कराते हैं, भला सूर्य की किरणों से अंधकार कैसे हो सकता है। पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों की चेष्टाएं एवं शक्तियों का मूल ईश्वरीय शक्ति ही है। परंतु ईश्वरीय सत्ता को मानने वाला कभी पाप कर्म नहीं करेगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण भी वह नहीं करेगा। इसके विपरीत कामनाओं के वशीभूत होकर ईश्वरीय सत्ता को भूलकर दूसरा पाप कर्म करेगा। महापुरुषों ने इसे बड़े ही अच्छे दृष्टांत से समझाया है। जैसे एक पिता ने अपने दो पुत्रों को 5-5 रुपए देकर बाजार भेजा और कहा कि जाओ इन रुपयों से अपने अपने मन की चीज खरीद लेना। दोनों गए, एक ने जितने पैसे थे उसके अनुरूप सामान खरीदा, दूसरे ने बाजार की बहुमूल्य जो वस्तुएं थीं उन्हें पसंद किया। अब रुपए कम होने के कारण वह उनको खरीद तो न सका, परंतु कामनावश लोभ उसके अंदर उत्पन्न हुआ और लोभवश वह किसी मनचाही वस्तु को चुरा लेने को भी तैयार हो गया। बाद में वह चोरी में पकड़ा गया और मारपीट कर जेल में बंद कर दिया गया। दूसरा अपने नेक व्यवहार के कारण घर बाहर सर्वत्र आदर का पात्र बना। अब ध्यान देने वाली बात है कि ईश्वर रूपी पिता ने एक को साधु और एक को चोर नहीं बनाया, इसमें उनके अपने कर्म ही कारण बने। प्रिय भाई बहनों, वस्तुतः चेष्टा भगवान कराते हैं और पाप पुण्य मनुष्य स्वयं करता है। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि पाप कौन कराता है, तो भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया कि महापापी काम ही पाप में कारण होता है। प्रिय भाई बहनों, सूक्ष्मता से समझिए, महापापी काम, भगवान ने काम को, कामनाओं को महापापी कहा है, क्योंकि यही है मेन प्रमुख जो हमसे पाप कर्म भी करा लेती हैं। क्योंकि मनुष्य को इनको पूरा करने के लिए लोभ उत्पन्न हो जाता है और उसी लोभ के वशीभूत होकर वह पाप कर्म भी कर जाता है। अतः यह सत्य है कि ईश्वरीय शक्ति या प्रेरणा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसी प्रकार यह भी सत्य है, यह भी परम सत्य है कि ईश्वर केवल सत कर्म में ही सहायक होते हैं। पाप कर्म तो मनुष्य अपनी कामना एवं आसक्ति से ही करता है, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता। यदि हम अपने विवेक से निर्णय करें, तब अवश्य ही हमारी आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को हमें अनुभव करा देगी। अर्थात शुभ कर्म कौन से हैं, पुण्य कर्म कौन से हैं और अशुभ कर्म अर्थात पाप कर्म कौन से हैं, यह अनुभव हमारी आत्मा हमें स्वतः ही करा देती है, यदि हम अपने विवेक से इनको विचारशील दृष्टि से देखें। तब कामनाओं के कारण कर्तापन के अभिमान में किए हुए शुभ अशुभ कर्म ही हमारे बंधन का कारण बनते हैं, इसी कारण हमें उनका फल भी भोगना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान की इच्छा के बिना, उनकी प्रेरणा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन यह कहना कि पाप कर्म भी भगवान ही कराते हैं सर्वथा अनुचित है, सर्वथा गलत है, क्योंकि भगवान केवल पुण्य कर्म ही कराते हैं। पाप कर्म तो हमारी कामनाएं हमसे जबरदस्ती करा लेती हैं, हमारे मन की जो लगाम ढीली हो जाती है। जब हमारी कामनाएं हद से बढ़ जाती हैं, तब हम लोभ के वशीभूत होकर ऐसे कर्म भी कर जाते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जो अनुचित होते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं, जिनके लिए भगवान कभी आज्ञा नहीं देते, कभी प्रेरणा नहीं करते। और वह कर्म हमारी आत्मा हमें बता देती है कि यह अनुचित है, यह गलत है, लेकिन हम कामनाओं के जाल में इस तरह उलझ जाते हैं कि हम सत्य और असत्य को भूल जाते हैं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगले किसी भी वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।